हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. स्वागत है आप सभी का. और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. एंड मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक एंड फिट एंड फाइन हूँ. और भाई, अभी देखिए, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आलू. ये आलू जो है ना, बहुत ही चमत्कारी आलू हैं. और इनका जो यूज़ है, मैं कैसे करने वाली हूँ, चलिए वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ. बट वो सारी चीज़ें जानने से पहले ना फ्रेंड्स, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा. और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो आप देख सकें. तो आलू को मैंने साफ़ करके छिलका निकाल के उसे मैंने ग्रेटर की हेल्प से कद्दूकस कर लिया है. एंड उसका जो है ये मैं पानी निकालना अलग, इसका जूस जो है अलग से निकाल के रख लूँगी. तो ये इसका मैंने जूस निकाल के रख लिया है. एंड अब मैं लूँगी एक वॉल और उसमें जो है जूस डालूँगी एक चम्मच. एंड उसमें डालूँगी 5 से 7 ड्रॉप्स लेमन की, नींबू की. और नींबू और आलू का जूस एज ए ब्लीच, एज ए क्लिंजर बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको एज ए क्लिंजर ही यूज़ करने वाली हूँ. तो एक कॉटन की हेल्प से मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ. और उसके बाद अपने फेस को क्लीन करने के बाद ये जो स्टार्च आलू का यहाँ बचता है, आप इसको देख रहे हैं, ये है आलू का स्टार्च, जो कि इसमें जिसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अधिक पाई जाती है. और इसमें अब मैं ऐड करने वाली हूँ हनी, शहद और ये पोटैटो स्टार्च है. ये दोनों ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होते हैं, हमारे फेस को फेयर करने में, उसको ग्लोइश बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. एंड लेमन अगेन जो है हमारी स्किन के लिए एक विटामिन सी का काम करता है, जिससे हमारी स्किन में काफ़ी ग्लो आता है. एंड अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ बेसन, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करके रखी होती हैं. एंड अगेन बेसन जो है हमारे सौंदर्य को निखारने में, हमारे रूप को 4 चांद लगाने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. सदियों से, दादी नानी के ज़माने से इसको यूज़ किया जाता है. तो ये मेरा फेस पैक रेडी हो चुका है. तो इस फेस पैक को मैं अपने फेस के ऊपर कर लूँगी फ्रेंड्स अप्लाई. तो यहाँ पर मैंने अप्लाई इसे अपने हाथों से ही किया है ताकि अच्छे से लग जाए. आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा जिसका दिल किया वैसे जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं. और ये मैंने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया. और जहाँ मेरे अनवांटेड हेयर है वहाँ मैंने अच्छी तरह से लगाया, इससे अनवांटेड हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं. एंड देखिए, मेरी फेस तो हो चुका है रेडी और उसकी तो मैंने केयर कर लिया. अब मैं कर लेती हूँ अपनी पैकिंग. तो भाई, कहीं बाहर जाना हो तो उसके लिए करनी पड़ती है पैकिंग. और पैकिंग को अगर हम सिस्टमेटिकली करें ना, तो इस तरह से करें तो इसमें प्लीट सलबटें जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ती. और हमारी जो ड्रेस है जैसी प्रेस है वैसी की वैसी ही रहती है. जब भी कभी हमें घर से बाहर किसी टूर वगैरह में जाना हो तो मैं इसी तरह से अपनी ड्रेस जो है पैक करती हूँ. मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि कभी आपको भी बाहर जाना तो आप भी इस तरह से पैक कीजिए. और देखिए फिर बिल्कुल भी आपकी प्रेस ख़राब नहीं होने वाली है. तो पैकिंग मेरी हो चुकी थी. एंड पैकिंग करने के बाद रेडी होके देखिए फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ कहीं जाने के लिए. हाय, हाय, हेलो करो यहाँ पे सभी. हाय हाय, तुम्हारे तो आ नहीं रहे हैं. आ रहे आ रहे सब आ रहे. कौन नहीं आ रहे? आप नहीं आ रहे हो? दिखा रहे आ रहे हैं. आ रहे हैं वो अभी 600 रात तक. हाँ, ये दिख रहा है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. स्वागत है आप सभी का. और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे. तो ये देखिए, हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए. और कहाँ जा रहे हैं वो तो हम आपको आगे साथ साथ में बताते चलेंगे. और ये देखिए, हमारे साथ आगे से पीछे तक आपको दिखते जा रहे हैं, खड़े होते और सबको हाय हेलो कर रहे हैं. नहीं, बाद में. अच्छा. तो ये देख सकते हैं आप भाई, अभी जो है बस मैक्सिमम भर चुकी है. और जब तक हम लोग अभी औरों का वेट कर रहे हैं, तब तक चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं. तो बाहर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ठंड हो चुकी है. लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग भी जला ली है. और ये आसपास का व्यू. तो बस अब सभी आ चुके हैं और हम भी निकल चले हैं अपने सफ़र की ओर. तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको अपने साथ सफ़र में और दिखाते हैं कहाँ हम लोग जा रहे हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, मौसम बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी. एंड ये मेरे पीछे सभी आप देख सकते हैं. बस हम लोग खाना पीना खा के फ्री हो चुके हैं जाने के लिए. और मैं बता दूँ ना आपको कि अभी हम पानीपत में पहुँच चुके हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कितनी धुंध पड़ी. और ये हमारी गाड़ियाँ बसें आप देख सकते हैं. और ये सारी की सारी देख सकते हैं. और ये वो जगह है जहाँ हम लोग अभी सुबह रुके हुए हैं. यहाँ हमने पूरे रेस्ट किया, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया. बट
यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा फॉगी एंड ठंड भी काफ़ी है। तो सारी रात ट्रैवल करने के बाद मॉर्निंग में हम 4:30 के करीब करीब यहाँ पर पहुँच चुके थे। यहाँ हमारा स्टे था। सुबह फ्रेश वगैरह होने के बाद जो है ब्रेकफास्ट भी हमारा यहीं पर हमें मिलने वाला है। तो बस नहा धोकर हम लोग भी यहाँ पर आ चुके थे बिल्कुल फ्रेश होकर। एंड देखिए आसपास का व्यू आप अपने आप क्या हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और देखिए हमारा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग के अभी 7:30 हम लोग सभी जो है अपने अपने ब्रेकफास्ट में बिजी हैं। ये देखिए मेरे कंपनी वाले तो टूट पड़े हैं देखिए खाने में इस तरह से। एंड हाय हेलो हो गया आप सभी को। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं आगे। और आगे का जो कुछ रहने वाला है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ठंड बहुत ज़्यादा इसलिए शॉल एंड कोट दोनों के दोनों शेयर कर। तो चलिए आनंद लेते हैं पूरी एंड। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो गया भरपेट, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े थे। बट बाहर का मौसम तो आप देख ही चुके हैं, यहाँ पर पानीपत में बहुत ही ज़्यादा फॉग है, काफ़ी धुंध पड़ी हुई है। और ऐसे में ना ड्राइव करना भी ड्राइवर को काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और बाहर का व्यू ना मैं यहाँ से काफ़ी इंजॉय कर रही थी, मुझे नेचर की इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी हम पहुंच चुके हैं राजधानी में। और आप देख सकते हैं राजधानी की सड़कें कितनी क्राउडी हैं। तो यहाँ तो मतलब इतनी भीड़ भड़ाका था भाई पूछो ही मत। तो वैसे भी हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, गांव वाले जब शहर में इस तरह की भीड़ भड़ाका देखते हैं ना तो हमारे लिए तो एक अलग सी ही सिचुएशन होती है, एक अलग सी फीलिंग होती है। और आप यहाँ पुलिस वाले देख सकते हैं कितना सख्त जो है आज ये पहरा है। और पूरे एकदम से तैयारियां, फुल प्रूफ तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं राजघाट की तरफ। तो आप देख ही सकते हैं ये है राजघाट हमारे लेफ्ट साइड में, आप व्यू देख सकते हैं। बस में से ही मैंने ये व्यू कैप्चर किया था। और बहुत ही प्यारी जगह है राजघाट, गांधी जी की समाधि है यहाँ पर। तो वो तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं बाहर वाले स्टेट से भी, अदर स्टेट से भी यहाँ पे बच्चे घूमने के लिए आए हुए थे। तो टूरिस्ट प्लेस है ये एक अच्छा खासा। एंड नाउ हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन में। और ये देखिए हम लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। तो ये वीडियो तो वैसे भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे। और हम सभी यहाँ पर आए थे न्यू दिल्ली में किसान गर्जना रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए, किसानों की मांगें मनवाने के लिए। तो ये भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह के मोमेंट्स में शामिल होना और पार्टिसिपेशन बहुत ही एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सा जुनून, एक अलग सा जोश, सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। तो आप लोगों को फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, आगे के ब्लॉग के साथ। तो चलिए तब तक अपने ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।